Just wait for some time so that uh, all the students will come in the same platform. huh we will wait another two minutes today's topic is very important i am going to start electrostatic beta सो हेलो व्यूअर्स वेलकम टू द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म जैसा कि आप सभी को पता है बेटा अन अकेडमी ने लॉन्च किया है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बैच सो आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर माई नेम इज़ यश त्रिपाठी पास आउट फ्रॉम आई आई टी कानपुर एंड हैविंग द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ सिक्स ईयर्स बेटा मेरा जो भी एक्सपीरियंस है रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो आई आई टी नीड्स साथ साथ स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक like एम एस टी सी ई टी की प्रिपरेशन के लिए रहा है Currently, I am the uh, chairman of Concept Adventure Sitawa. So, guys, uh, let's crack MST CET with India's largest e learning platform that is Unacademy. How can you? Uh, Contact with us, connect with us. You can download the An Academy Learning app from your Play Store. आप बड़े आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली बेटा आपको कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप इस पर भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारे के सारे नोट्स जो भी मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सब आपके पास पहुँच जाए ठीक है बेटा तो जरूर जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर और आप अगर सीरियस है अपने कैरियर को लेके बेटा देन यू मस्ट हैव टू सब्सक्रिप्शन प्लान आपके पास होना चाहिए सच दैट आप कोई भी क्लासेस किसी भी फॉर्मेट में मिस ना करें और अगर आप क्लास ट्वेल्थ में है बेटा या फिर ट्वेल्थ पास आउट हैं देन आई विल रिकमेंड आप ये वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें और अगर आप क्लास इलेवेंथ में है बेटा तो आप ये वाला प्लान ले बेटा सब्सक्रिप्शन uh, प्लान लेने के बहुत सारे फायदे हैं आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी कंटिन्यूसली डाउट सेशन रहेगा आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं जैसा अदर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में है जैसे लिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं नहीं बेटा यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी आपकी नहीं बचेगी अगर आपका बेसिक कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता अगर इफ यू आर गोइंग टू पार्ट ऑफ एन अकेडमी यू आर जस्ट गोइंग टू रॉक आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आई विल सजेस्ट यू बेटा प्लीज परचेज uh, करें इसको सब्सक्रिप्शन uh, प्लान को लें ताकि आपकी कैरियर हमारे साथ जुड़ सके और हम उसको ऊपर तक लेके जाएं बेटा uh, अगर आप uh, ये सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं मेरा कोड है यश yes वन तो आपको एडिशनल टेन परसेंट ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं यश yes वन तो आपको एडिशनल टेन परसेंट ऑफ मिलेगा बच्चे और बेटा ये टेन परसेंट ऑफ हाँ टेन परसेंट ऑफ अकेले आप मेरा कोड नहीं आप कोई भी कोड यूज कर सकते हैं ठीक है तो कोई भी कोड यूज कर सकते हैं अन अकेडमी का भी कोड यूज कर सकते हैं किसी भी ट्यूटर का कोड यूज कर सकते हैं आप आपको एडिशनल टेन परसेंट ऑफ मिलेगा सो so, चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं विद इन टू मिनट्स व्यूअर्स और एड हो जाने दीजिए हा हाय बेटा यस यस थैंक यू <laughs> आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टेट्स राइट राइट हाय हाँ हाँ, हाँ इंट्रोडक्शन हो गया है अभी टॉपिक पर आ गए हम लोग मिनट पॉज है तब तक आप लोग कमेंट करते रहिए हम्म ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टेट वन बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट की कहानी को समझेंगे तो एक्चुअली में हम लोग आज मैं क्लास लंबी नहीं लूंगा बिल्कुल बेसिक बेसिक कहानी बताऊंगा और करीबन बेटा ये वन मंथ के आसपास आपका इलेक्ट्रोस्टेट चलेगा एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट की बिल्कुल स्लोली स्लोली क्लासेस बढ़ेंगी अगर आप क्लास ट्वेल्थ में है सीबीएसई बोर्ड में तब भी आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा मैं पूरा बोर्ड का पढ़ाऊंगा आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड के भी नहीं जाएंगे साथ साथ एमएसटी सीई टी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एमएसटी सीई टी या फिर नीट अगर आप इनके एस्पिरेंट हैं या फिर जेई के इन तीनों में से आप किसी के भी एस्पिरेंट है देन प्लीज स्टे विद मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा बेटा कमेंट कीजिए हु इज अवेलेबल कमेंट कीजिए बेटा चलिए तो शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे क्या और अपना जुगाड़ क्या है कहानी को समझने की सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एक्चुअली हम लोग इस सीरीज में इलेक्ट्रोस्टेट्स में सीखेंगे जो वो हम लोग सीखेंगे स्टडी ऑफ चार्ज हम लोग जो बेटा सीखने वाले हैं कि एक चार्ज की वजह से एक दूसरे चार्ज पर अब एक चार्ज है ये क्या होगा कैसे बनेगा ये बात की बात है आपको पता है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दो तरीके के चार्ज आपने पढ़े न्यूट्रल चार्ज एक अलग चीज हो जाएगी एक पॉजिटिव एक चार्ज की वजह से क्या क्या फिनोमिना होने वाले हैं क्या क्या चार्ज इफेक्ट दे सकता है वॉट आर द इफेक्ट प्रोड्यूस बाई द चार्ज इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चार्ज के बिहेवियर को हमें समझना है कि वो क्या क्या इफेक्ट्स दे सकता है तो बेटा इस पूरी स्टडी में इस पूरे इलेक्ट्रोस्टेट्स में हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टेट को दो सेगमेंट में डालेंगे पहला सेगमेंट है अगर आपका चार्ज है पहला सेगमेंट है अगर आपका जो चार्ज है चार्ज एट रेस्ट ऐसा हो सकता है कि चार्ज रेस्ट पर हो और दूसरा सेगमेंट है ऐसा भी हो सकता है बच्चे क्या कि चार्ज इज इन मोशन चार्ज इज इन मोशन तो ये दो सेगमेंट हम लोग देखने वाले हैं एक बार अभी हम लोग जो बात करेंगे करीबन 15 डेज मैं अभी केवल इसी की बात करूंगा। एट रेस्ट। फिर आगे जाके बात करेंगे चार्ज इज इन मोशन तो आज की जो चर्चा होगी या फिर आने वाले 15 दिन की जो चर्चा होगी वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज इज एट रेस्ट पर होगी हम लोग मोशन की बात ही नहीं करेंगे तो अब मोशन भी बेटा दो तरीके का हो सकता है या तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड भी आती है चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस पूरी ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इसमें होगा क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी आएंगी इसको बोलेंगे पूरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म और ये जब चार्ज एट रेस्ट है इसको बोलेंगे तो पूरी की पूरी जो कहानी है पूरी की पूरी जो कहानी है वो बेटा दो पार्ट में डिवाइड हो गई या तो चार्ज रेस्ट पर है या मोशन में अगर रेस्ट पर है तो मैं उसको बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैट और अगर मोशन में है तो मैं उसको क्या बोलूंगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की लिखते जाइएगा नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा इन दिस यूनिट इन दिस यूनिट लिखते जाइए वी विल कवर द स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स बिहेवियर ठीक है कौन कौन सी ब्रांच आएंगी यहां पर दो तरीके की डील्स होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया एक है इलेक्ट्रोस्टैट्स जिसका मतलब होगा चार्ज इज एट रेस्ट चार्ज इज एट रेस्ट और दूसरा होगा बेटा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स।, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स जिसमें चार्ज मोशन पर होगा या एक्सीलरेट कर रहा होगा चार्ज इज इन मोशन अब मोशन भी बेटा दो तरीके के होंगे यही पूरी कहानी है पूरी समरी बता रहा हूं अभी मैं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मोशन होगा दो तरीके का या तो होगा यूनिफॉर्म मोशन एक केस बनेगा यूनिफॉर्म मोशन में और या फिर होगा नॉन 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 यूनिफॉर्म 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 मोशन 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 का मतलब एक्सीलरेशन हो रहा होगा ये दो केस आएंगे आगे जाके पढ़ेंगे तो अभी जो अपनी डिस्कशन है वो क्या है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टेट्स पर बेस्ड है मैं अभी जो चर्चा करूंगा वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टेट्स की बात करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टेट्स की बात करने से पहले मैं सबसे पहले बात करता हूं व्हाट इज चार्ज चार्ज क्या होता है और चार्ज से हम लोग क्या समझते हैं क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं चार्ज से तो सबसे पहले हमें समझना है चार्ज क्या होता है बच्चे तो चार्ज को समझने के लिए चार्ज आएगा कहाँ से आपको समझना होगा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं प्रोटॉन क्या होते हैं एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो अगर मैं बात करूं सबसे पहली बेसिक बात करूं तो बेटा बात होगी उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम हेडिंग डाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या क्या होता है एटम के अंदर बेटा ये होता है न्यूक्लियस सपोज करो ये है न्यूक्लियस एटम जो होता है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है कौन कौन से दो पार्ट में एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा जो होगा वो होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने जा रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाने जा रहा हूं मैं बिल्कुल मुद्दे की बात करता हूं एक होता है सर न्यूक्लियस जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है और इसके चारों ओर क्या होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसमें बेटा क्या होती है ऑर्बिट्स होती हैं और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं कुछ ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं कुछ ऐसा होता है क्या मेरी बात क्लियर है इलेक्ट्रॉन कुछ इस फैशन में रिवॉल्व कर रहे होते हैं कुछ ऐसा होता है तो अगर मैं आपसे पूछू एक बड़ा सिंपल सी चीज पूछू एक न्यूट्रल एटम में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ न्यूट्रल एटम न्यूट्रल एटम न्यूट्रल एटम का मतलब हो गया जिस पर नेट चार्ज जो हो वो जीरो हो न्यूट्रल एटम में क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या मेरी बात समझ में आ रही है ये क्या होता है ये कंडीशन होती है न्यूट्रल एटम न्यूट्रल एटम का मतलब नेट चार्ज इक्वल टू जीरो सपोज करो अगर मैं आपसे एक बात करूं कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है अच्छा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है मैं पहले बिल्कुल बेसिक बात कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 1.6 की पावर माइनस नाइनटीन कूलम कूलम क्या होती है कूलम होती है एस आई यूनिट ऑफ चार्ज एस आई यूनिट ऑफ चार्ज तो so जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कि 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, है, है किसी एटम में तो अब अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या देना किसी एटम को इजी होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या फिर अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है प्रोटॉन निकालना है क्या इजी होगा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इज इजियर देन प्रोटॉन का रिमूवल इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इज इजियर देन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आराम से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को निकालने के लिए ताकत लगती है ज़्यादा लगती है तो अगर आप कोई भी चीज़ एफर्ट डालते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकल सकता है सपोज करो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है कितना होता है वन पॉइंट की पावर माइनस नाइनटीन कूलम ऐसे ही प्रोटोन पर चार्ज कितना होता है बेटा पॉजिटिव होता है वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस का नाइनटीन कूलम तो अब अगर मैंने बात किया ओवरऑल मान लो टेन इलेक्ट्रॉन है तो टेन मल्टीप्लाई बाई नेट चार्ज अभी बॉडी पर कितना है नेट चार्ज अभी बॉडी पर कितना है तो आप बोलोगे टेन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन प्लस टेन इंटू प्लस का सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन ये हो जाएगा सर नेट चार्ज ठीक है तो नेट चार्ज अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा जीरो नेट चार्ज निकालोगे कितना आ जाएगा जीरो नेट चार्ज आ जाएगा जीरो और अगर नेट चार्ज आपका जीरो आ गया अब सपोज करो कि मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया अगर एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया तब नेट चार्ज क्या होगा जरा बताओ तब नेट चार्ज क्या होगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइन इंटू माइनस का वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन प्लस का टेन इंटू वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस का नाइनटीन अगर आप देखोगे तो नेट चार्ज आएगा वन इंटू टेन की पावर वन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस का नाइनटीन कूलम दैट विल बी द नेट चार्ज बोलो यस और नो क्लियर है कोई दिक्कत नहीं तो अगर मैं जनरल फार्मूला लिखू नेट चार्ज का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखू नेट चार्ज का तो क्या लिखोगे एन ई मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस एन पी मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन प्रोटोन तो बेटा अगर मैं आपसे इन न्यूट्रल एटम अच्छा e और p की वैल्यू कितनी होती है e की वैल्यू होती है माइनस सिक्स पॉइंट वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कुलम ऐसे ही प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है प्लस का 1.602 पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कुलम वैल्यू पुट कर दो

इन न्यूट्रल एटम नोट करके लिख लें क्या लिख लें इन न्यूट्रल एटम इन न्यूट्रल एटम व्हाट गोइंग टू हैपन इन द न्यूट्रल एटम एन पी इज इक्वल टू एन ई देर फोर क्यू नेट इज इक्वल टू जीरो हा या ना बहुत सही जवाब हां चलो दूसरा केस देखते हैं मान लो बेटा आपने बॉन्ड बॉन्ड पढ़े हैं ना आयनिक बॉन्ड मान लो एक एन है और एक सी है एन भी न्यूट्रल है और सी भी न्यूट्रल है तो आपने ये तो पढ़ा होगा एन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कहाँ चला जाता है वो इलेक्ट्रॉन सी में तो सी माइनस हो जाता है और एन प्लस हो जाता है ठीक है तो ये प्लस साइन क्या बताता है अगर आपसे मैं बोलूं कोई भी एटम है और उससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बेटा पहले वो न्यूट्रल था आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया उससे तो बेटा उस न्यूट्रल एटम का चार्ज आ जाएगा उस न्यूट्रल एटम के पास कितना चार्ज हो जाएगा प्लस का ई के बराबर अगर एक एटम पर चार्ज पूछोगे एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो ये चार्ज आ जाएगा क्या ये बात क्लियर है बेटा जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मान लो एक एटम है सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं एक एटम है जिसके पास टेन इलेक्ट्रॉन है और टेन प्रोटोन है मैंने पहले ही बोला था अगर एटम जितने भी आप प्रियोडिक टेबल में एटम देखते हैं वो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं न्यूट्रल स्टेट का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बेटा बराबर हैं अब मैंने क्या किया मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया अच्छा अगर मैं आपसे पूछू कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया है मैंने अगर मैं आपसे पूछू क्या पूछू कि आप क्या रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं या प्रोटॉन देन आंसर इज वेरी सिंपल हम लोग क्या रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कर सकते हैं प्रोटॉन रिमूव नहीं कर सकते रीजन क्या है प्रोटॉन रिमूव नहीं कर पाने का क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो इनर कोर पर अवेलेबल होता है जो प्रोटॉन अवेलेबल होता है बेटा वो कहा अवेलेबल होता है इनर कोर पर अवेलेबल होता है तो वहां से कोई चीज निकालने के लिए हमें ज्यादा ताकत लगती है एस कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहां होता है आउटर शेल पर होता है इसीलिए हम लोग एक एटम से दूसरे एटम में क्या कर सकते हैं क्या प्रोटोन ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं हम लोग किसकी शेयरिंग कर सकते हैं हम लोगों ने बात भी पूरी केमिस्ट्री बेस उस पर होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर हम लोग इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या मेरी बात समझ में आ रही है ओके okay. तो वी आर गोइंग टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड वी कैन ऐड वन प्रोटॉन वो वन इलेक्ट्रॉन बट वी कैन नॉट रिमूव प्रोटॉन तो नोट करके ये बात लिख लेना क्या लिखेंगे नोट करके बाद तो नोट करके आप बात लिखेंगे दैट टू रिमूव टू रिमूव ए प्रोटॉन वी रिक्वायर्ड मोर एफर्ट As comparison to an electron, that is why. What is that is why the removal or addition of electron. is is preferred or is happen in the nature अरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है प्रोटोन को निकालना दिक्कत वाला काम इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ही निकालना और इलेक्ट्रॉन को ही एड करना होता है नेचर में वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे वाह मजा आ गया अब क्या करें <coughs> तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कर रहा था कि मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ और मुझे बताइएगा एग्जाम्पल क्या लेता हूँ पहला एग्जाम्पल एक एटम है वन एटम मान लो इसका नाम है ए एटम ठीक है इसके पास क्या क्या है बेटा टेन इलेक्ट्रॉन्स है एंड टेन प्रोटॉन्स है क्या क्या है बेटा इसके पास टेन इलेक्ट्रॉन्स एंड टेन प्रोटॉन और मैंने क्या किया मैंने क्या किया इससे वन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया क्या कर लिया बेटा वी रिमूव्ड वन इलेक्ट्रॉन और आपसे पूछ रहा है फाइंड द फाइंड द चार्ज इन एन एटम फाइंड द चार्ज इन एन एटम एटम में चार्ज बताइए बताइए क्या होगा अरे बुड़बक नहीं आ रहा है तुमको अरे भैया इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो एटम पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव या निगेटिव चलो देखो यार गधे आंसर भाई क्यू नेट का अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था और तुम इतनी जल्दी भूल गए मित्र देखो क्या कर सकते हैं तो क्यू नोट का फॉर्मूला क्या था एन इलेक्ट्रॉन माइनस एन प्रोटोन सॉरी एन प्रोटोन माइनस एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई वन पॉइंट सिक्स जीरो टू की पावर माइनस नाइनटीन कोलम। अरे बोलो यार बिल्कुल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो बेटा बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन ओनली नाइन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने बचेंगे 10 प्रोटॉन्स तो so, 9 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन पुट द वैल्यू ऑफ 9 एंड 10 हियर तो बेटा व्हाट विल बी द रिजल्ट 9 10 1.602 10 की पावर माइनस -19 कैलोरी तो बेटा व्हाट विल बी द क्यू नेट क्यू नेट विल बी कम्स आउट टू बी 1.602 10 की पावर -19 कैलोरी That will be the what? That will be the answer. Got it? My point. सब कुछ धुआं धुआं हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है चलो आगे बढ़े एक और प्रॉब्लम देखें कैलकुलेट कैलकुलेट The charge on one mole of atom if one atom lose two electrons. Try to calculate this, I will provide you two minutes. वन मोल एटम्स पर निकालना है चार्ज ऑन वन मोल एटम्स इफ वन इलेक्ट्रॉन लूजेस टू इलेक्ट्रॉन लाइक एम जी टू प्लस एंड सी एल टू माइनस मतलब सॉरी सी एल टू करो इसको मैं एम जी पर चार्ज पूछ रहा हूं कितना आएगा दो मिनट का समय दे रहा हूं करें इसको Yes, बच्चों कंटिन्यू करते हैं तो आपको वन मोल एटम्स का एक ऐसा एटम जो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो अगर जब वो न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे अब वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे एन ई माइनस टू और नंबर ऑफ प्रोटोन कितने बचे एन पी या मान लो एन ये मान लो दोनों की वैल्यू एन के बराबर है ठीक है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एनपी की वैल्यू और ये हो जाएगा एन ई -E की वैल्यू तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन पी माइनस एन ई एक एटम पर चार्ज निकाल रहे हैं एन पी माइनस एन ई वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन दिस विल बी द चार्ज ऑन वन एटम तो बेटा एन एटम में कितना होगा वन मोल में कितने एटम होते हैं वन मोल में एटम होते हैं वन मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं एन के बराबर है वो कैट्रो नंबर के बराबर तो एनपी माइनस एन ई इंटू वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन यस yes, बेटा हाँ 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 ठीक है तो एन ए कितना होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू इंटू एन पी एनपी कितना है एन माइनस एन प्लस टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर थ्री दैट विल बी द आंसर कूलम में क्या मेरी बात समझ में आई हां हां समझ में आ गई ठीक है तो आज मैंने क्या डिस्कशन किया आज मैंने कुछ कुछ चीजों पर डिस्कशन किया मैंने चार्ज का बेसिक बताया कि चार्ज आता कहाँ से है एक रॉड मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है नेगेटिव चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है प्रोटॉन क्या है ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी डोंट मिस इट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल टेक केयर तो ओके गाइस देन वी विल सम अप चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सच दैट आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करें और बताएं लेक्चर कैसा रहा और uh, जो भी डाउट हैं आपके वो बताएं और आप बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो अब हम लोग कंटिन्यूसली बेटा इसी फॉर्मेट में इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ेंगे और आज का लेक्चर अगर आपका मिस हुआ है तो फॉलो दिस लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे आज मैंने चार्ज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज कैसे एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जैसे आज हम लोगों ने बात की कि एक न्यूट्रल एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो चार्ज कितना आएगा लेकिन कल हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं ठीक है कल हम लोग बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस तो गाइस आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आपको जितना भी कंटेंट मटेरियल है बेटा यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस ले रहा हूं जितना भी कंटेंट मटेरियल है वो आपको वहां पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर और साथ साथ बेटा अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं एंड आई रिकमेंड यू यू हैव टू परचेज द सब्सक्रिप्शन प्लान बिकॉज उसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं आपको लाइव क्लासेस डाउट सेशन हर कुछ आ, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ इंक्लूड रहेगा वो और जो कॉस्टिंग है वो लिटरली काफ़ी कम है किसी भी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट से अगर आप लेते हैं देन यू कैन यूज दिस कोड यश वन टू गेट एडिशनल टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट एंड ऑल्सो गाइज मेरा ही कोड नहीं आप किसी भी फैकल्टी मेंबर का कोड यूज़ कर सकते हैं साथ साथ अन का भी कोड यूज कर सकते हैं तो कुछ भी यूज कीजिए बट एनरोल योर सेल्फ ऑन एन अकेडमी चलिए टाटा बाय बाय टेक केयर जय हिंद